Yeah. बस अभी बहुत सख्ती है, इसी से गुजारा कर। और बात सुन, तू पागल है, पागल समझ गया। ओके Shall we start? Yes. Step back. कोई ऐसा सवाल जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे न पूछूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आई बिलीव कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं। लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है। सालार खान, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस। पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से फेमिनिज्म की लहर ने बहुत जोर पकड़ा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई भी मूवमेंट, आइडियोलॉजी या सोच जिसके जरिए किसी की मदद की जा सकती है, तो आई थिंक हर शख्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोग कभी कभी वुमन एम्पावरमेंट की बात करके अपनी खूबियों को नहीं पहचान पाते, बिकॉज आई बिलीव औरत एम्पावर्ड ही पैदा होती है, ताकत उसके अंदर होती है। हम उसे सपोर्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उस ताकत को मजीद बढ़ाने के लिए उसे आपकी जरूरत नहीं है, और ना कभी थी ना कभी होगी। तो क्या आप खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं? हमारे यहां फिरकों की तरह फेमिनिज्म की भी बहुत सी टाइप्स हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसमें आप खुद को बिलोंग होता पाते हैं उसका बता दीजिए। मैं औरत को बराबर और असलाइयत समझने वाला फेमिनिस्ट हूं, लेकिन प्लीज औरत को बासलाइयत समझते हुए बिना वजह मर्दों से नफरत करने वाला फेमिनिस्ट भी नहीं हूं। सो सालार, आपकी कंट्रोवर्सी का तो सबको पता है, लेकिन उससे पहले आपकी जिंदगी क्या थी और अब उसके बाद आपकी जिंदगी क्या है, इसका फर्क बहुत लोग नहीं जानते। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट?
यू जस्ट सेड दैट कि इसका फर्क बहुत कम लोग जानते हैं. ऑनेस्टली ये फर्क कोई नहीं जानता और ना कोई जान सकता है, क्योंकि वही जान सकता है जो इस मरले से गुजरे हैं. हर दिन, हर पल, हर लम्हा. यू नो व्हाट, मैं जब खुद को एक्टर समझता था तो मुझे अदालत के सीन्स बहुत अच्छे लगते थे. आई लव दोस सीन्स. लेकिन जब खुद को सिर्फ एक इंसान समझा जिसकी कोई हैसियत नहीं है, तो फिर मुझे हर जगह अदालत नजर आई. मेरे घर में, सेट पे, बाजार में, बाहर हर जगह, अपने अनजाने सबकी नजरों में. सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड. पब्लिक इमेज का आपका कितना ख्याल है? पहले था, अब नहीं है. इमेज ही नहीं रहा. ऐसी बात नहीं है, जो लोग आपको पसंद करते थे वो आज भी करते हैं. क्या फायदा ऐसे पसंद करने का, या ऐसे जज्बात का जो खबरों की सुर्खियों के साथ बदलते रहे. सलार खान, अरे सर, रेपिस्ट, जिसको गालियां तो इससे नफरत करो. सलार खान केस जीत गया तो इज अ फाइटर, इज अ सर्वाइवर. बट यू नो बुशरा, ये हरेसर से फाइटर तक का जो रास्ता है ना, ये इतना तकलीफ दे, इतना कठिन, इतना मुश्किल है. काश मैं आपको बता सकता. मैं आपसे जो अगला सवाल करने जा रही हूं वो शायद आपको अच्छा ना लगे. पिछले कुछ टाइम में लोगों की इतनी बातें सुन चुका हूं कि अब शायद मुझे कुछ इतना बुरा लग ही नहीं सकता. सो प्लीज. डिड यू असॉल्ट हर? क्या आप पे लगाया हुआ इल्जाम सच है? आप केस जीत चुके हैं, सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग ये आपसे सुनना चाहते हैं. कभी कभी मैं अपने आप को अपने फैंस की नजर से देखता हूं, जो कि वैसे काफी कम रह चुके हैं. मुझे लगता है कि मैं, अगर कोई और होता तो अपना फैन कभी ना होता, क्योंकि मैं खुद को अच्छा इंसान नहीं समझता. मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, हर चीज एक्सपीरियंस की है, अच्छी बुरी, झूठ बोला है, लोगों के दिल तोड़े हैं. लेकिन जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो ना मैं कभी कर सकता हूं और ना कभी करूंगा, क्योंकि आई नो द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट बुशरा. मैं अच्छा बाप नहीं हूं, शायद अच्छा शोहर भी नहीं हूं. मैं बहुत कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं हरेसर नहीं हूं. तो आपके ख्याल में हरेसमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? वेल, हरेसमेंट कोई भी ऐसी चीज जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करे, या उसकी रजामंदी शामिल ना हो, या उसकी पर्सनल स्पेस इन्वेड हो, या किसी की मजबूरी का फायदा उठाना. इट कैन बी एनीथिंग, लाइक कोई बात, कोई मजाक, किसी की शक्ल, जिस्म, लिबास, मजहब, किसी भी चीज पर तंकीद. आई थिंक यही टाइप्स होती हैं हरेसमेंट की, और इनको करने वाला हरेसर कहलाता है. हरेसमेंट किसी की मजबूरी का फायदा उठाना है, किसी मौके का फायदा उठाना नहीं, किसी वक्त का फायदा उठाना नहीं, पावर प्ले नहीं, और किसी पुराने आशिक से लिया हुआ बदला नहीं. अब आप बताइए मुझे कि इन सब चीजों में से किसी के लिए भी मुझे इल्जाम दिया जा सकता है? पिछले दिनों कई सारे ग्रुप्स हैं जो औरतों के हकूक के लिए काम करते हैं, या फिर
काम करने का दावा तो करते हैं। आपकी कंट्रोवर्सी के दौरान भी ऐसे कई ग्रुप सरगर्म हुए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वक्त के साथ बहुत सी चीजें बदलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले टैलेंट को नापने का तरीका अलग था, लाइक देखते थे कौन कितना बड़ा एक्टर है। आज देखा जाता है कि कौन कितना बड़ा स्टार है। स्टार आई मीन के उसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, वो अपने आने जाने की, खाने पीने की, घर की, अपनी पर्सनल लाइफ की कितनी डिटेल्स सोशल मीडिया पे शेयर करता है, कितनी तस्वीरें डालता है, भले उसके अंदर एक्टिंग की टिंग ना बचती हो। ऐसे ही बहुत से लोग जो औरतों के हकों के लिए काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने नाम के लिए। एंड प्लीज, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेन्युइनली औरतों के हकूक और वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग चुपचाप पता नहीं कितने घरों की कफालत कर रहे हैं, और उन्हें अपनी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे चिपकाने की जरूरत हरगिज नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों की बात करता हूं, यू नो व्हाट दे हैव डन, उन्होंने साल के ना कुछ दिन मार्क किए हैं कि हम इन दिनों में बाहर आएंगे, शोर मचाएंगे। साल के बाकी दिनों में पता नहीं कहां होते हैं वो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों को औरतों के असल प्रॉब्लम्स का पता भी है कि नहीं। एक अकेली लड़की के लिए बस में ट्रेवल करना कितना मुश्किल है वो जानते हैं कि नहीं, या एक मजबूर लड़की जिसे अपने अपने नशेई बाप और भाई के लिए कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है, उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या ये लोग जानते हैं? एक मॉडल के लिए आवाज उठाने के लिए सब निकल पड़े, क्या इन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे? क्या ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से सही नहीं है, उससे नीचे है? नहीं, एक मिनट बिफोर यू आस्क एनीथिंग एल्स, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बल्कि नहीं आपसे नहीं, हर देखने और सुनने वाले से पूछना चाहता हूं। और मैं सिर्फ इल्जाम की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट जुर्म या कोई गलती। सिर्फ एक इल्जाम, आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, सब कुछ निकल जाता है। एक इल्जाम में इतनी ताकत होती है, और जिस पर इल्जाम लगाया जाए उसके साथ जुड़े हुए लोगों को उसका खमियाजा क्यों भुगतना पड़ता है? ऑनेस्टली एक बात बताएं, क्या मुझ पे लगे हुए इल्जाम का वजन इतना भारी था कि मेरा बाप घर से ना निकल सके और मेरे बच्चों को स्कूल में तनकीद का निशाना बनाया जाए, इस हद तक कि उनके मासूम जहनों को बचाने के लिए मुझे उन्हें घर पे रखना पड़े? इतनी ताकत है इल्जाम में कि कीबोर्ड के ऊपर बैठे हुए किसी के भी हाथ मेरी मेरी फैमिली की, मेरी इज्जत नफ्स की धज्जियां बिखेर देंगे और मैं बैठा देखता रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि लाइक आखिर ये फॉल्स एलिगेशंस का जो भी है, इसके पीछे क्या स्टैंडर्ड है, क्या सोच के करते हैं सब? कौन जीता कौन हारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ उसे पड़ रहा है जिसे इस इल्जाम के साथ सारी जिंदगी जीना पड़ेगा, और वो मैं हूं, और मेरे साथ जुड़ी हुई मेरी पूरी फैमिली है। Do you need a break? No. Carry on, please. मेरा अगला सवाल भी आपकी इसी बात से जुड़ा हुआ है। इस तरह के केसेस में जहां इल्जाम है लेकिन शायद प्रूफ नहीं है, एक सोसाइटी होने के नाते और लोगों के नाते भी ये हम सब के ऊपर एक सवालिया निशान बन के रह जाता है। लोग बटे हुए हैं, कुछ लोग ईमान को सही समझते हैं, कुछ लोग आपको। बट इन दैट केस क्या हम लोगों को ब्लेम कर सकते हैं? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इल्जाम इसका कोई सबूत नहीं है, वो मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है? तो इस सिचुएशन में लोग किसका साथ दें? सच का और किसका?
लेकिन अफसोस कि आजकल की दुनिया में सच भी एक छोटे बच्चे की तरह सहमा हुआ किसी कोने में बैठा हुआ है, बाहर आना ही नहीं चाहता है। वो आना चाहता है तो उसे डरा धमका कर फिर वहीं उसी कोने में धकेल देते हैं उसको वापस। इस सब सिचुएशन के दौरान आपके प्रोजेक्ट्स ने कितना सफर किया, और क्या अब हम कुछ दिनों में आपको किसी नई चीज में देखेंगे? कैंसिल कल्चर के बारे में तो जानते हैं जी, बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल, मैं जो सुन रहा हूँ उनको भी बताना चाहता हूँ कि they should know about it, कि it's basically कि किससे बात करनी है, किसका फोन सुनना है, किसका चेक भिजवाना है, किसके साथ काम करना है, and blah blah blah। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपका नाम डूब जाएगा। I'm sorry, I'm fumbling, but fair enough, मैं इस मेंटेलिटी के खिलाफ में हूँ, it's fair, ठीक है। और इसीलिए मैंने इस दौरान बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन काम रुका नहीं है, इसीलिए आज यहां आपके सामने हूं। एंड अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह इससे बेहतर काम करूंगा, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सालार। टू रैप दिस अप, इज देयर एनी लास्ट थिंग दैट यू वांट टू से टू द ऑडियंस, योर फाइनल मैसेज? मैं जो कहूंगा शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सच की खासियत ये है कि वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन अब भी बहुत कुछ अपने अंदर लिए बैठा हूं, और ये बात वो लोग भी जानते हैं जो मुझे आज यहां तक लेकर आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सब इस दुनिया का हिस्सा है, और यहां सब लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, चाहे बच्चा जो भी हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियों का मजमू है, फरिश्ते नहीं हैं हम, और ना कभी बन सकते हैं। जो हम हैं नहीं तो बनने का दिखावा करने का क्या फायदा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय प्लेजर। जब एक आदमी सुनने समझने की हालत में ही नहीं है तो पेशी पे कैसे आ सकता है? रजा साहब, जेल के डॉक्टर्स उनका मुआयना कर चुके हैं, वो फिजिकली और मेंटली ट्रायल के लायक है। माजरा के साथ सर, अगर जेल के डॉक्टर इस काबिल होते तो वो जेल की बजाय किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे होते। सबकी आंखों में धूल झुकी जा रही है जनाब आला, जब एक आदमी एतराफी जुर्म कर चुका है पीछे कह रहे जाते। जनाबे वाला, हम पटिशन दायर करना चाहते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करके सही इलाज करवाया जाए। तहकीकात से यह पता चलता है कि मुलजिम राफे का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। हमें इस केस में मजीद शवाहिद की जरूरत होगी और पिटिशन को रिव्यू करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। अगली तारीख दे दीजिए। बहुत हंसी आ रही है। देख रहा हूं।
वक्त कैसे बदलता है। Quite impressed with the interview. I'm jealous too. वो क्यों? ये इंटरव्यू तो मुझे भी दे सकते थे। तुम हो? मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़े या खबरों का हिस्सा बनो, मैं ये नहीं चाहता। Still jealous? थोड़ा सा। बच्चों के जाने से पहले मुझे उनसे मिलवाना। I really want to see them. Sure. मैं समझा सो गई। गलत समझे। All good? हाँ हाँ। क्या बात है? एक बात बताओगी सच सच? Am I a bad journalist? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ? ये जो तुम इस वक्त हो वो नहीं हूँ। मतलब? हंस रही हूँ मुझे? नहीं, पर तुम्हें कब से वैलिडेशन की जरूरत पड़ गई? कहीं तुम वो, क्या नाम है उस लड़की का, बुशरा, उसके इंटरव्यू से इनसिक्योर तो नहीं हो गया? नॉट एट ऑल। खुश हूं मैं। आई लाइक कॉम्पिटिशन। मैं सोच रहा हूं कि जब हम किसी से बंधे हुए नहीं होते तो ख्यालात में कितने आजाद होते, कुछ खोने का खौफ नहीं होता। You're right. So I think you're brilliant the way you are. एक बहुत अच्छे एंकर हो, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, और ये पूरा मुल्क जान। ओके बीवी। अरे आई एम सीरियस। तारीफ करती हो ना तो लगता है कोई बुरी खबर देने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कहोगी कि तुम सालार की फैन हो गई हो? नहीं, I was never his fan. हाँ, पर उसका इंटरव्यू देख के अगर मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकती तो उसकी बुराई भी नहीं करूं। और तुम भी मत करना, आसान नहीं होता ना खुद को पूरी दुनिया के सामने एक वल्नरेबल पोजीशन में डालना। कुछ गलत कहा मैंने? जब ये करियर शुरू हुआ था ना, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहता था, सिर्फ फील्ड में काम करना चाहता था। लेकिन पता नहीं कब आई लॉस्ट माय वे। कंपेरेटिव मीडिया वॉर में मैं कहीं अपनी वैल्यूज तो नहीं खो रहा? आज से पहले कभी इस बात ने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन आज ये बात मुझे तंग कर रही है। सुनो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे फैमिली मैन हो, एक अच्छे जर्नलिस्ट हो, और जहां तक मैं जानती हूं तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, कभी कभी इस प्रोफेशन में हम अपनी हद पार कर लेते हैं, और अगर बात सच की हो तो ये भी ठीक है शायद। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच के साथ हैं? क्या
हम सच बोल रहे हैं? मैं ऑफ ले लेता हूं, कल से आप शो कर लो। ना, मुझे कोई शौक नहीं। आई एम वेरी हैप्पी स्पेंडिंग योर मनी। फौजिया से बात हुई क्या? नहीं, क्यों? तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं, पूछ रहा हूं बस। परेशान तो हो गई ना, अब खुद को कमाने के लिए हाथ पांव जो चलाने पड़ेंगे। इतना वजन ना उठा, फिर कहेगी कुछ हो गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि फिर से बेटी, इस बार बच्ची पैदा करके मैं तुम लोगों के लिए सड़कों पर इसे मारा मारा नहीं छोड़ सकती। आपकी फ्लाइट कितने बजे है? कल दोपहर की है। रखता बाबा, अगर आप मेरी वजह से जल्दी जा रहे हैं तो इस बात को जरूर समझिएगा कि सलार और मेरे दरमियान जो हुआ उसका आपको बुरा फील नहीं होना चाहिए। ना मैं सलार से नाराज हूं, ना आपसे, और उम्मीद रखती हूं कि आप ही मुझसे नाराज नहीं होंगे। देखो बेटा, मैं यहां से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत लेके जा रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी रहे हो, अपने लिए या उसके लिए, तो सलार के साथ रही उस वक्त जब मैं भी उसके पास नहीं था। अच्छा नहीं, तन्हा सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया होगा उसने? नया जमाना है ना, और लोगों के पास भी आपका गिरेबान पकड़ने के नए नए तरीके हैं, कभी कभी बहुत तकलीफ देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जैसा भी है, बेटा है मेरा। अगर उसके अच्छे कामों में उसकी तारीफ करता हूं तो की गलतियों पे कान भी मरोड़ सकता हूं। इसीलिए तुम्हारा जाना मुझे बुरा नहीं लगा। आखिर तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। तो क्या हो गया कि तुम्हारी खुशी अब मेरे बेटे के साथ नहीं जुड़ी हुई? वैसे भी रिश्ते तो दिल से चलते हैं, जब तक दिल चलता है, ठीक है? नहीं तो बहुत ही सच से उन दुआओं के साथ अलहदा हो जाना चाहिए। सलार बहुत अकेला हो जाएगा, आप उसके साथ क्यों नहीं रुक जाते? कुछ नहीं होगा, इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेटा। हम जो सोच लेते हैं ना, वही बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रहना उसके अंदर है, उसे उसकी मां से मिला है। डोंट वरी, यू बी फाइन। अब सब जिद्दी हैं। ये तो हम सबकी स्पेशलिटी है भाई, दी होना तो। चाय पिला। सॉरी, अच्छा होता अगर आप टीम लीड करती तो। अच्छा,
इसके नाम की शम्मे रोशन करना। बस अब यही रह गया है हमारे इख्तियार में। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इस मासूम बच्चे की यादों में जिंदा नहीं रह सकते? अभी इसकी उम्र ही क्या थी, इतनी दर्दनाक मौत। तुम्हारे बॉस नए मंजन बेचते बेचते थक नहीं जाते? तेरी तबीयत ठीक है? ठीक है। मोहम्मद को बुखार है। डॉक्टर को दिखाया? हेलो भाभी, सॉरी, कल से ना आना। क्यों, जेल लेके जा रहे हैं? मोहम्मद और गुड़िया का ख्याल रखना। क्या बोल रहे तू? तू कहती थी ना, मैं तेरा और बच्चों का ख्याल नहीं रखता। मैं जो भी बोलती थी उसको छोड़, बस तू अपना ख्याल रख। तेरे हाथ का खाना, ये जिंदा रखता है मुझे। कल से ना आना। अच्छा, नहीं, मैं परसों आऊंगी। कहा ना अब ना आना, मैं जा रहा हूं यहां से। कहां जा रहे है? बताऊंगा, पर अब जो करने जा रहा हूं ना, वो सबके बच्चों के लिए। तूने क्या किया? फ्रेंडशिप स्टोरी टेलिंग। मैंने कुछ नहीं किया था, उसने की थी मुझसे मोहब्बत। और तूने साबित कर दिया कि तू मोहब्बत तो क्या नफरत के भी काबिल नहीं है, है ना? मुझे रिजेक्ट करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, समझे? पता है अगले हफ्ते क्या होने वाला है? मेरी रिहाई, मुझे इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाएगा। मैं बीमार हूं ना, फिर मैं आऊंगा आजाद। पता है जब वो चीख रही थी ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मैंने उसका मुंह ऐसे पकड़ा, पहले तो उस पर मुझे प्यार आया, लेकिन जब मैंने उसका सच बात में मारा तो मुझे मजा आने लगा। मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मेरा प्यार खत्म हो गया। उसके हाथ तोड़े, फिर उसकी टांगे तोड़ी, करते करते मार मार के साली को रख लिया अपने पास। जो पहले से मरा हो वो जीकर क्या करेगा? कौन रहने देगा तुझे यहां? तुझसे किसने कह दिया कि मैं यहां रहने वाला हूं? मैं तो चला जाऊंगा ये मुल्क छोड़ के, और फिर अय्याशी ही अय्याशी। इसीलिए कहता हूं अपने नन्हे से दिमाग पे इतना जोर ना डाल। ये रिपीट,
चाहे मैं राजी, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।